हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्प्रिंग बूट विथ मोंगो रिपोजिटरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, और वहाँ पर करना नेक्स्ट। एंड यहाँ से जो है एक स्प्रिंग वेब के डिपेंडेंसी और दूसरा स्प्रिंग डेटा मोंगो डीबी। ठीक है, आप दो डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद फिनिश कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बन गया फोल्डर। यहाँ पे एक जो है सो मेन क्लास हम लोगों को दिया क्रिएट करके। चलिए हम लोग एक जो है सो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे बिन क्लास। ठीक है, हमने एम्प्लॉय नाम से क्रिएट कर लिया और फिनिश कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर हम देते हैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, आईडी प्राइवेसी ईएमपी आईडी एम्प्लॉय आईडी के लिए एंड प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी ईएमपी नेम नेम के लिए एंड प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस एंड जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट एनोटेशन यूज करेंगे यहाँ पे कलेक्शन। मान लीजिए हम कर दें ई एम पी एल ओ वाई डब्ल्यू एम्प्लाई रिकॉर्ड और इसको इम्पोर्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट को। हम लोग मोंगो डीबी में जब यूज करते हैं तो वहाँ पे जो है सो टेबल को कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एवरी रिकॉर्ड को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो हम लोग जैसे ही टेबल का नाम देते थे वैसे हमने एक यहाँ पे टेबल का नाम असाइन कर दिया, दैट इज कलेक्शन का नाम हमने असाइन किया एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, इस नाम से आपका कलेक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद हमने एक फील्ड को यहाँ पे एज ए प्राइमरी की हमने बना दिया। ठीक है, आईडी को और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को एज ए इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स यूनिक इक्वल्स टू ट्रू, हमने यूनिक कर दिया कि प्रत्येक एम्प्लॉय का जो आईडी होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो हमने ट्रू कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फील्ड का अगर नेम अगर डिक्लेयर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जिस नाम से जो है सो आपका वेरिएबल डिक्लेयर है उसी नाम से जो है सो आपका फील्ड जो है सो कॉलम नेम डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, अगर आपको देना है तो यहाँ पे एक फील्ड एनोटेशन है और वैल्यू इक्वल्स टू आप दे सकते हैं ई एम पी कुछ भी दे सकते हैं जो आपका कॉलम नेम होगा। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं एट द रेट ऐसे ही हम लोग एड्रेस के दे देते हैं। आप नेम भी दे दीजिएगा वैल्यू की जगह पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक्सेप्ट करता है। जेंडर, ठीक है, अगर आप किसी भी कॉलम को अगर यूनिक बनाना चाहते हैं तो आप नोटेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। अब आप यहाँ पे जो है सो एज ए गेटर सेटर क्रिएट कर लीजिएगा, सेलेक्ट ऑल एंड गेटर सेटर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रू स्ट्रिंग जेनरेट ट्रू स्ट्रिंग कर लेंगे।
बस इसका काम ख़त्म हो गया, इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पे हम लोग एक मेन कंट्रोलर बनाते हैं, मेन कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे एज ए कंट्रोलर आप मार्क कर दीजिएगा मेन कंट्रोलर को। उसके बाद यहाँ पर हम एक और इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ई एम पी एल ओ वाई डब्ल इम्प्लाई रेपो नाम से, ठीक है। एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं इंटरफेस इम्प्लाई रेपो नाम से। उसके बाद यहाँ से आप ऐड कीजिएगा और यहाँ सर्च कीजिएगा मोंगो रिपोजिटरी, ठीक है, मोंगो रिपोजिटरी, और ओके कर दीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा एंड फिनिश। उसके बाद स्टूडेंट में चलते हैं, देखिए सॉरी एम्प्लाई में, यहाँ पे एज ए आई डी जिस फील्ड को बनाया है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको दो डिक्लेयर करें, एक तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट में होगा डिक्लेयर, फर्स्ट पैरामीटर में आपका बिन क्लास का नाम, और यहाँ पे प्राइमरी की डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कर दीजिए ऐड, ऐड हो गया, अब इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप किस नाम से अभी बनाए हैं इंटरफेस एम्प्लाई रिपो। उसके बाद एक और हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, एम्प्लाई रेपो आई एम पी एल, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद यहाँ से ऐड कीजिएगा ऐड, और जो अभी आपने इंटरफेस बनाया उसको यहाँ पर सर्च करिए, देखिए आ गया यहाँ पे एम्प्लाई रेपो, और ओके कर दीजिए एंड वन सेकेंड, ये फिर से चलते हैं, बनाते हैं क्लास एम्प्लाई रेपो ए आई एम पी एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ करना है ऐड, और कर देते हैं एम्प्लाई रेपो को ऐड, ओके एंड फिनिश, ठीक है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टेम्प मेथड हैं, ठीक है, मोंगो रिपोजिटरी जितना भी हम लोग का मेथड प्रोवाइड करता है सारे मेथड यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप कस्टम मेथड बनाने के लिए अपना से अगर खुद से मेथड आप बनाना चाहते हैं कस्टम मेथड, तो या तो आप दूसरा क्लास ले लीजिए उस, या फिर आप यहाँ इस इंटरफेस में जो है सो आप डिफाइन कर लीजिए, ठीक है, और इसको यूज कर लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, ठीक है। तो दो तरीका है आपको कस्टम क्वेरी लिखने का, या तो आप सेम इंटरफेस में लिखिए या दूसरे इंटरफेस में लिखिए और इम्प्लीमेंट कर लीजिए इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आप जैसे जे डी बी सी टेम्पलेट यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे एक है मोंगो टेम्पलेट, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर लीजिएगा ऑटो वायर। इसको कर दीजिएगा ऐड, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन क्लास में, मेन कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं p
पी आर आई बी ए टी प्राइवेट एम्प्लाई रेपो आई एम पी एल। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया ई रेपो आई एम पी एल, ठीक है, एम्प्लाई रेपो आई एम पी एल का। उसके बाद यहाँ कर दीजिए इसको ऐड और इसको ऑटो वायर कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जितने भी मेथड आपको डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, आप सारे मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास में बनाए हैं। ठीक है, वैल्यू से आप जो है सो गेट कीजिए और यहाँ पर सेट कीजिए डेटाबेस में। ठीक, उसके बाद आपको जो है पॉम डॉट एक्सएमएल में दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है। कौन कौन सी डिपेंडेंसी हम बता देते हैं यहाँ पे। टॉमकैट, ये टॉमकैट एम्बेड जैस्पर, ठीक है, एंड दूसरा डिपेंडेंसी यहाँ पर हमने ऐड किया है जे एस टी एल, ठीक है, वैल्यू को पॉपुलेट कराने के लिए। वन पॉइंट टू वर्जन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग दो डिपेंडेंसी केवल ऐड किए हैं बस। तो अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन में आपको एक फोल्डर बनाना है बेबैप, मस्ट है आपको बनाना है। उसके बाद आप किसी भी नाम से फोल्डर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट एक फोल्डर बना लिया जे एस पी नाम से और इसके अंदर हम लोग एक जे एस पी फाइल बना लिया, ठीक है, इंडेक्स नाम से। तो आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंडेक्स नाम से बनाएं आप, लेकिन आपको मेन के अंदर आपको बेबैप नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर आप जितना भी ब्रांच बनाए आपको आपके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ था कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कहाँ पर हम लोग किसको ऐड करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था तो हम अलग अलग इसको नहीं बताएं, एक ही से हमने बना के पहले से रखा है, उसको रन करा के आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जो हमने पहले जो है इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था, जैसे कि कट रिपोजिटरी था, स्प्रिंग बूट विथ कट रिपोजिटरी या जे पी ए के साथ हमने बनाया था, सेम टू सेम फॉर्म का डिज़ाइन वही है, केवल मेथड भी कुछ सेम ही है, बस कुछ मेथड हमने ऐड किए हैं कस्टम, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि पूरा बनाना ज़रूरी नहीं है, केवल जो मेन चीज़ है केवल उसको मैं बता दूं कि कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्वर का, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ सर्वर ऑन, तो आपको जाना पड़ेगा सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, मोंगो डीबी के फोल्डर में, सर्वर 4.2 बिन और यहाँ पे मोंगो डी, इसको ऑन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑन हो गया। उसके बाद, हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, आपको जो है से यहाँ पे रिसोर्सेज में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपका यूजर नेम पासवर्ड है तो आप यूजर नेम पासवर्ड साइन कर सकते हैं, आप ऑथेंटिकेशन रोल दे सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस को, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो डायरेक्ट लोकल होस्ट पर दीजिए, पोर्ट नंबर असाइन कीजिए और डेटाबेस का नाम दीजिए। अगर डेटाबेस पहले से है तो बनाए नया क्रिएट नहीं करेगा, अगर नहीं है तो नया क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद लॉगिन लेवल है और उसके बाद डिबग है, ठीक है, आप ये दोनों ऐड कर लीजिएगा।
और कुछ नया नहीं है। चलिए इसको हम रन कराते हैं। लिख रहा है पोर्ट जो ऑलरेडी इज इन यूज है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से इसको क्लोज करते हैं एंड फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया स्टार्टेड मोंगो डीबी। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्राउजर पे, लोकल होस्ट 9632 एंड इंटर। तो यहाँ पे देखिए न्यू एम्प्लाई के लिए है, डिस्प्ले अपडेट डिलीट का ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है और डिलीट ऑल ऑपरेशन, हमने सभी ऑपरेशन यहाँ पर कर दिए हैं। इंटर एम्प्लाई पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से यहाँ पर है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ऐड करते हैं E1008। ठीक है, एम्प्लाई आई डी हमने साइन किया, एम्प्लाई नेम मान लीजिए हमने दे दिया कोमल कुमारी एंड एड्रेस मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया पंजाब एंड यहाँ से दे दिया सेलेक्ट कर लिया जेंडर फीमेल एंड रजिस्टर। यहाँ पर क्या मैसेज आया, रॉक रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुल्ली, मतलब सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ठीक है 1E001008 कोमल कुमारी, एड्रेस पंजाब एंड फीमेल। ठीक है, अगर आपको, चलिए हम इसको बैक कर दें, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले के लिए भी हमने यहाँ पर बना दिया है, साथ साथ अपडेट और डिलीट का भी फीचर हमने इसी पेज पर ऐड कर दिया। किसी का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि कोमल कुमारी जो अभी हमने ऐड किया था उनका नाम चेंज करना चाहते हैं रत्ना, ठीक है रत्ना सिन हम करना चाहते हैं एंड अपडेट। अपडेट देखिए अब मैसेज अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुल्ली, मतलब आप एम्प्लाई एड्रेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको दे दिया यूपी, ठीक है और अपडेट कर दिया, अपडेट हो गया और रिलोड भी कर दिया, आपको दिखा नहीं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे किसी भी रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से डिलीट किया E006 को, डिलीट हो गया और पेज को रिफ्रेश भी किया और फाइंड ऑल कर दिया। ठीक है, मतलब कि सारे को रिलोड कर दिया। अगर हम डिलीट करना चाहें यहाँ पे जिसका एम्प्लॉय आईडी 1008 है, तो यहाँ पर डिलीट कर दिया। ठीक है, चलिए हो गया डिलीट। और उसके बाद हम लोग चलते हैं सर्च पे, यहाँ पे देखिए हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया 1001 आ गया, जैसे हमने दे दिया E1004, ठीक है E1003, ठीक है डेटा आ रहा है। अब अगर नाम से सर्च करना है तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया पूजा कुमारी एंड सर्च आ गया, उसका कर रहे हैं रवि कुमार सर्च। तो यहाँ पर देखिए रवि कुमार दो है, दो एम्प्लाई है, जिसका कि एक का एम्प्लाई आईडी E1001 है और एक का एम्प्लाई आईडी E1007 है, उसका एड्रेस एक का पटना है और एक का कोलकाता है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल भी रिकॉर्ड है, अगर डुप्लीकेट अगर रिकॉर्ड है तो आपको सर्च करेगा। अगर यहाँ पर एड्रेस मान लीजिए हमको सर्च करना पटना का कौन कौन सा एम्प्लाई है, हमने सर्च किया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दो एम्प्लाई है रवि कुमार एंड शशि रंजन निवास। अगर हमको सर्च करना है दिल्ली के कौन कौन से एम्प्लाई है, तो यहाँ पर मात्र एक एम्प्लाई है पूजा कुमारी। ठीक है, कोलकाता का हम देखना चाहते हैं सर्च करते हैं, तो यहाँ पर एक रवि कुमार है, ठीक है जो कोलकाता का, तो आप यहाँ पर एड्रेस के थ्रू से कर सकते हैं। हम यहाँ पर शॉर्टिंग भी किए हैं, ठीक है, जैसे कि आप सॉर्टिंग किसी भी तरीका से लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू और एंड नॉट इन इन, आप किसी भी क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट किए मेल, तो जितने भी मेल इम्प्लाई है सारे के सारे आपको सॉर्टिंग करके शो कर देंगे। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि फीमेल में कौन कौन से इम्प्लाई हैं, आप सर्च कीजिए सारे फीमेल इम्प्लाई आपको शो कर देंगे। ठीक है, ते तो हुआ सर्च और एक था डिलीट ऑल।
डिलीट ऑल, अगर वैल्यू अगर है डेटाबेस में, अगर वैल्यू है तो डिलीट करेगा, मैसेज लिखेगा डिलीट ऑल रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर वैल्यू है ही नहीं और आप डिलीट करना चाहते हैं तो एक अलग मैसेज देगा, सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ भी अगर डिस्प्ले में अगर डेटा है तो शो करेगा, अगर डेटा नहीं है तो यहाँ पर मैसेज लिखेगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा दें इसका बेसिक। हम लोग अभी जो थोड़ा देर पहले देखे थे कि हम लोग बिन कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमने यही बिन बनाया है सेम टू सेम। उसके बाद हमने रेपो क्लास बनाया था इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद जो भी मेथड था जो हम लोग जेपीए में भी बनाए हैं, सेव के लिए सेव है यहाँ पे या इंसर्ट वन है, ठीक है। बट सेव ज़्यादा जो है सो प्रीफियर है और फैसिलिटी भी ज़्यादा देता है इंसर्ट वन से, तो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं सेव करने के लिए सेव मेथड का ही, ठीक है। उसके बाद फाइंड ऑल के लिए मेथड हम लोगों ने पिछले बार देखा था जेपीए जब हम लोगों ने यूज़ किया था तब, तो वही है। और यहाँ पे दो तरीका से अपडेट कर सकते हैं, एक तो ए मेथड है जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेरी लिखा है, यहाँ पर क्वेरी का यूज करके आप क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है, आ जाते हैं हम लोग मेन कंट्रोलर में। यहाँ पर देख सकते हैं सेव करने के लिए हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जो हम लोगों ने जेपीए में किया था यहाँ भी हम लोगों ने वही किया, इसीलिए हम प्रोजेक्ट का एक एक पार्ट हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल बता रहे हैं कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। सेव के लिए हम लोगों ने पिछले बार देखा था सेव कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हम लोग पहले देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डेटा अगर लिस्ट में है, ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है उसको लिस्ट में डाल रहे हैं और फिर लिस्ट को चेक कर रहे हैं कि अगर डेटा है तो पेज पे वैल्यू जाए, ठीक है, अदरवाइज मैसेज जाए, ठीक है, कीजिए कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। उसके बाद देख लीजिए अपडेट, यहाँ पर हमने दो बनाए हैं, एक तो है जो कि आप अगर वैल्यू अगर ले रहे हैं अगर डेटाबेस सॉरी डिस्प्ले पेज पर से अगर एम्प्लॉय आईडी आ रहा है तो उसको एम्प्लॉय आईडी को कैच कीजिए और एम्प्लॉय में सेट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे सेव कर लीजिए। और दूसरा है कि आप मेथड क्रिएट कर लीजिए, जो कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट किया, जो भी आईडी आ रहा है उसको गेट आईडी करके जो है सो हम लोग मैच करा रहे हैं डेटाबेस से, तो सेम ही काम करा रहे हैं। यहाँ पर भी एम्प्लॉय का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और मेन कंट्रोलर यहाँ पर भी हमने जो है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया उसमें सेट किया, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज करते हैं। अगर ये आप यूज करते हैं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ये मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप यह यूज करते हैं यहाँ से, अगर केवल जो है एम्प्लॉय गेट आईडी अगर पास करते हैं फॉर्म से, तो आपको यहाँ पर मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अपडेट का यूज करते हैं तो। सब कुछ सेम है पहले जैसा जो हम लोग थे, फाइंड ऑल सेव अपडेट डिलीट, ठीक है। उसके बाद डिलीट एम्प्लॉय आईडी, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सो किसी पार्टिकुलर का जो अभी हमने अभी डिलीट किया था, ठीक है, तो अब डिलीट बाई आईडी जो है एक मेथड है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बना बनाया मेथड देता है। वहाँ पर हमने क्वेरी लिखा, एम्प्लॉय आईडी से मैच करा ईएमपी आईडी और वैल्यू को डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सर्च पेज पे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक लगाया है मेथड बनाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट से जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का जो भी वैल्यू डेटाबेस से आ रहा है हम लोग उसको पहले लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर एक एक करके सबको चेक कर रहे हैं जो वैल्यू आ रहा है फॉर्म से, ठीक है। हम लोग सबको उसको चेक कर रहे हैं कि कोई एम्प्टी तो नहीं आ रहा है कोई टेक्स्ट फील्ड, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या किए हैं, फाइंड बाई आई डी, फाइंड बाई नेम, फाइंड बाई एड्रेस एंड फाइंड बाई जेंडर नाम से जो है हमने मेथड बनाया है इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, देख सकते हैं आप। देखिए फाइंड बाई एम्प्लाई नेम के थ्रू जो है हम लोग यहाँ
निकाल रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के थ्रू निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर मेथड बनाया है, देखिए ठीक है। तो आप यहाँ पर कस्टम मेथड भी बना सकते हैं। उसके बाद डिलीट ऑल के लिए, तो आप जेपीए जब हम यूज कर रहे थे उसमें भी देखे थे बना बना मेथड डिलीट ऑल, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए हैं डिलीट ऑल के लिए, ठीक है डिलीट ऑल के लिए। और यहाँ पर भी जो भी जब सर्च कर रहे हैं तो वैल्यू अगर आ रहा है तो उसको तभी पेज पर डिस्प्ले करें, अदरवाइज मैसेज डिस्प्ले करें कि रिकॉर्ड नहीं है डेटाबेस में, ठीक है। तो चलिए सब हो गया, तो आई होप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, चूँकि आपने JDBC टेम्पलेट का भी हमने यूज़ किया था, उसके बाद JPA का भी यूज़ किया था, उसमें सारे वीडियो अलग अलग करके हम लोग सारे ऑपरेशन को देखे थे, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ स्टार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर, तो यहाँ से आप जो है सो रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड है तो शो करेगा अदरवाइज मैसेज शो करेगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं सर्च पेज पर से, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा डेटा जो कि है ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा ये ईरर शो करेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। जैसे कि हमने E1100 कर लिया, ई नहीं है डेटाबेस में, तो ये क्या करेगा मैसेज देगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। उसके बाद डिलीट ऑल का जहाँ तक बात था, ठीक है ना, तो इसका लास्ट में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारे वैल्यू को डिलीट कर देगा, तभी डेटाबेस में वैल्यू है, इसीलिए अगर इस पर क्लिक करते हैं तो क्या करेगा लिखेगा ऑल रिकॉर्ड डिलीटेड, डिलीट हो गया। बट हम इसको अगर फिर से क्लिक करेंगे तो मैसेज देगा सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि जो है सब रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। जब रिकॉर्ड ही रहेगा तभी तो डिलीट होगा, इसीलिए पहले चेक कर रहा है कि लिस्ट में वैल्यू है या नहीं है, उसके बाद डिलीट कर रहा है, ठीक है। अगर आप सारे वैल्यू को अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने फिर से यहाँ पे 1001 पूजा कुमारी पटना एंड जेंडर फीमेल एंड रजिस्टर, ठीक है हमने किया। उसके बाद E1002 रवि कुमार एंड दिल्ली एंड मेल एंड रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आपको अगर देखना है जेसन फॉर्मेट में, यहाँ जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं यूज, सॉरी डेटाबेस से सबसे पहले कनेक्ट हो लेते हैं हम लोग, माई डेटाबेस, ठीक है। चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने प्रॉपर्टीज क्लास में चलते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ हम लोगों ने डेटाबेस का नाम दिया था माई डेटाबेस, तो हम लोग यहाँ से कनेक्ट हो लिए माई डेटाबेस। उसके बाद db. चलते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे एम्प्लाई जो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या दिया था कलेक्शन का नाम एम्प्लाई रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दे देंगे एम्प्लाई रिकॉर्ड डॉट फाइंड डॉट प्रीटी और इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये था वीडियो की MongoDB से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको एरर आएगा, पैकेज जो है सो अगर नहीं मिलेगा किसी क्लास को, अगर एक दूसरे क्लास को, तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, यहाँ पे आप सर्विस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनोटेशन का, और कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सो लिंक जो है हम ऐड कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।